नकाब औरत के लिए पूरा जिस्म है, चेहरे के नकाब ना करने के बारे में क्या हुक्म है? देखिए, इस्लाम में पर्दे के मुख्तलिफ दराजात हैं, इस्लाम में पर्दे के मुख्तलिफ दराजात हैं। एक दर्जा तो यह है कि औरत अपने आप को इतना छुपा दे कि उसकी चादर पर भी मर्द की नजर ना पड़े कभी भी, तो यह सबसे आला दर्जा है। बाद साहबियात ऐसी होती थी, वो उनको कभी किसी मर्द ने देखा ही नहीं, उनको मुखदरात कहा जाता था। लेकिन जाहिर है ये वही खातिन हो सकती है जिनका फिर मर्दों से कोई लेन देन ना हो या मुआशरे में कोई। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा थी, उन्हें चूंकि मसाइल बताने होते थे तो वो आवाज का पर्दा नहीं करती थी, वो बताती थी मसाइल पर्दे के पीछे से। लेकिन कुछ साहबियात ऐसी थी जो अपनी आवाज भी मर्दों से छुपाती थी। तो आला दर्जा है, कोई अमल करना चाहे और इसमें कोई नुकसान भी ना हो तो सबसे आला दर्जा है, लेकिन लाजिम नहीं है। दूसरा दर्जा यह है कि औरत अपना चेहरा खोले और अपने हाथ और अपने पांव खोल ले, बाकी पूरा जिस्म गैर महरम मर्द से। ये सब गैर महरम की बातें हो रही है, महरम मुराद नहीं है, महरम से पर्दा नहीं होता। तो गैर महरम मर्द से चेहरा, हाथ और पांव के अलावा पूरा जिस्म क्या कर ले? छुपा दे। ये वाला पर्दा चारों आइम्मा के नजदीक, बोलो भाई, फर्ज है। यानी कम से कम इतना दर्जा, इसमें किसी का कोई इख्तलाफ, बोलो भाई, नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है। ऐसी औरत अपने सर के बाल लामहरम के सामने नहीं खोल सकती, ठीक है ना, अपनी पिंडलियां, अपनी कलाइयां नहीं खोल सकती। चेहरा और हाथ, इसके बारे में क्या है, बोलो भाई, इख्तलाफ। बाकी चेहरा और हाथ के बारे में राजे कौल क्या है? तो देखिए, राजे कौल यह है कि चेहरे का पर्दा जवान औरत पर जरूरी है, मगर वो चेहरा सतर में दाखिल नहीं है। सतर का मतलब यह होता है जैसे नाफ से लेके घुटने तक मर्द के लिए छुपाना हर हाल में क्या है, जरूरी है ना, चाहे किसी को फितने का अंदेशा हो या ना हो, ये वो एरिया है जो आपने बहरहाल छुपाना है। इसका किसी के सामने खोलना मजबूरी के बगैर, इलाज के लिए एक अलग बात है, आम हालात में किसी के सामने खोलना भी बिल्कुल क्या है, हराम है, जायज नहीं है। ये मर्द के लिए सतर है। तो औरत के लिए चेहरा, हाथ और पांव के अलावा का जो एरिया है नामहरम के लिए, वो क्या है, सतर है। उसमें फितने का अंदेशा हो या ना हो, जवान औरत ने बहरहाल वो, बोलो भाई, छुपाना है। बूढ़ी औरतों को कुछ छूट दी है शरीयत ने, लेकिन जवान औरत ने, और 50 साल की औरत भी याद रखो जवान होती है। बाद लोग जवान का मतलब देते हैं कि 19 साल की हो, जब तक बिल्कुल उसको इतनी चेहरे पे झुरियां ना आ जाए कि इस्तरी करने की बाकायदा जरूरत पड़ जाए, इतनी जब तक झुरियां नहीं आती वो क्या समझी जाती है शरीयत की नजर में, जवानी। इतनी ज्यादा उसमें अट्रैक्शन खत्म हो जाए कि किसी को पैसे भी दो ना तो वो शादी करने के लिए तैयार ना, तो फिर तो पर्दों के मामले में शरीयत ने उसको आसानी दी है। लेकिन जब तक जवान औरत है तो ये चेहरा, हाथ और पांव के अलावा बाकी जो पूरा जिस्म है वो नामहरम के सामने क्या है, सतर है। उसमें ये नहीं है कि फितने का अंदेशा है या नहीं, वो बहरहाल नामहरम से हर सूरत में छुपाना है। और नमाज भी उसके बगैर नहीं होगी, नमाज में अगर सर के बाल खुल जाएं, पिंडलियां खुल जाएं, तो नमाज नहीं होती। तो नमाज में भी जैसे मर्द अगर सतर खुला हुआ हो मर्द का नमाज में, कमीज के बगैर आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर सतर का एरिया आपका खुला हुआ है तो नमाज आपकी नहीं होगी। तो नमाज से खवातीन समझे, जितना एरिया नमाज में छुपाना फर्ज है उतना नामहरम के सामने छुपाना भी फर्ज है सतर होने की वजह से। बाकी चेहरा, हाथ और पांव, इसका सतर से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है हिजाब से। हिजाब कहते हैं पर्दे को, यानी इसको इसलिए नहीं छुपाने का हुक्म कि यह सतर है। अगर इसलिए हुक्म होता तो नमाज चेहरा खोल के औरत की ना होती, समझ रहे? तो अब दो लोग क्या करते हैं जिनको इस चीजों का इल्म ही होता, दोनों चीजों को क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए परेशान होते हैं कि यार एक तरफ चेहरा खोलने की इजाजत है, दूसरी तरफ क्या है, चेहरे का पर्दा है, तो ये क्या है? तो चेहरे का जो छुपाने का हुक्म दिया गया है, अच्छा ये भी याद रखें, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्ने हंबल की हां चेहरा भी सतर में दाखिल है, यानी वो भी औरत के लिए छुपाना बहरहाल क्या है, हर सूरत में फर्ज है। लेकिन बर्रे सगीर में फिकह हनफी को फॉलो किया जाता है, इसलिए मैं फिकह हनफी के मुताबिक बता रहा हूं, दलाइल दोनों के पास है कुरान और हदीस की रोशनी में। तो फिकह हनफी में इमाम अबू हनीफा की राय के मुताबिक जो औरत का चेहरा जो है वो सतर में दाखिल नहीं है, तो वो इसलिए फुकाहे हनफिया ने किताबों में ये लिखा हुआ है कि औरत पर चेहरे का छुपाना फर्ज नहीं है नामहरम से। फर्ज ना होने का मतलब क्या कि वो सतर में दाखिल नहीं है। बाद के उलमा ने फतवा इसी पर दिया कि उसका ताल्लुक किससे है, हिजाब से। तो
तो जहां फितने का अंदेशा होगा वहां औरत को चेहरा छुपाने का हुक्म दिया जाएगा, जहां फितने का अंदेशा नहीं है या कोई जरूरत है वहां चेहरा छुपाने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। तो ये बात पूरी दुनिया जानती है कि जवान औरत का चेहरा खोलने में यकीनन फितने का अंदेशा, कोई अगर कहता है ना कि नहीं चेहरे में फितना नहीं है तो ऐसा नहीं होता, ऐसा करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि चेहरा ही सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का, भाई आप जब किसी को देखते हैं किसी लड़की को गलत नहीं ऐसे देखते हैं तो उसके सबसे पहले चेहरे पर नजर डालते हैं, चेहरे में अट्रैक्शन होगी तो बदनजरी होगी, चेहरा समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, फिर बदनजरी के खिलाफ बयान की जरूरत, बोलो भाई फिर यही होगा कि भाई 10 रुपए नहीं है तो 5 रुपए, फिर आप ये बोलोगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बदनजरी बहुत बड़ा गुनाह है इस्लाम में, बिल्कुल जुर्म है, इस्लाम में हराम है, सही है ना। तो इसलिए उलमा का ये, चाहे वो फिकह हनफी से ही ताल्लुक रखने वाले उलमा हो, मुताखिरीन उलमा ने अलल इतलाक सब ने ये फतवा दिया है कि जवान औरत को चेहरा छुपाने का बहरहाल हुक्म दिया जाएगा, अगर वो नामहरम के सामने चेहरा खोलेगी तो गुनाहगार होगी। अलबत्ता इतनी बात है कि एक बात मैं कहता हूं कि चलो फुकहा का भी इख्तलाफ है और इसमें थोड़ी दूसरी राय भी है, तो असल तो यही है कि चेहरा छुपाए, लेकिन मैं कहता हूं जो खवातीन बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हैं, बहुत ही बिल्कुल आजाद हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, चलो इतना कर लें कि चेहरा खोल लें, हाथ पांव खोल लें, बाकी जिस्म ढांक लें, लेकिन जाहिर है हर आदमी इस लेवल का नहीं होता और हर खातून को आप इसका मुकल्लफ भी नहीं बना सकते। एक एक्टर है, एक अदाकारा है, एक फंकारा है, वो बेचारी, बेचारी तो नहीं कहना चाहिए, नाचती रही है सारी जिंदगी लोगों के सामने, अब आप उसको ग्लव्स पहना के, काले मोजे पहना के, शटल कॉक पहना दो आप उसको, या काला बुरका पहना दो, उसके लिए इसको जहनी तौर पर कबूल करना, तो ऐसी खवातीन को हम कहते हैं कि भाई समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जो बिल्कुल हराम है कम अज कम उसको तो छोड़ दे, फिर अल्लाह तौफीक देगा इंशाल्लाह इस पर भी आ जाएंगे, तो कम अज कम इतना भी कर लिया जाए तो क्या है, गनीमत है, बाकी आला दर्जा तो वही है कि चेहरा भी छुपाया जाए।